हाँ सही कह रही हो। अरे बाबू हम ये कह रहे थे कि कल के लिए हमने ओयो बुक कर लिया है। वो जो तुम्हारे घर से कुछ दूर पे एक शहर है ना, उसी शहर में ओयो बुक किए हैं। और मैनेजर से हमारी बात हुई थी, कुछ घूस उस लेके DSLR कैमरा की भी बात हो गई है। क्या कैमरा क्या करोगे? अरे हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है, एक वीडियो बनाएंगे, एक याद के लिए बढ़िया वाली वीडियो बनाएंगे। ब्लैकमेल करोगे? एक कैसी कैसी बात कर रही हो, तुमको हम पे विश्वास नहीं है? 3 सालों से ऐसे ही प्यार कर रही हो, हम पे विश्वास नहीं है? कसम से कह रहे हैं, तुम्हारी कसम खा के कह रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं, इरादा नहीं है। बस हम उस वीडियो को इसलिए बनाएंगे कि हमारी यादें रहेंगी कि हाँ हम लोग पहली बार मिले थे तो ऐसा कुछ सीन था, बस यही हमारा मकसद है। तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। अरे हम दोनों के 3 साल के प्यार की कसम खा के कह रहे हैं, हम वीडियो वायरल करते, सॉरी सॉरी मतलब सॉरी मुंह से निकल गया, वीडियो वायरल नहीं करेंगे। सेम कुछ ऐसा ही हुआ है हमारी राजा तनी जाई ना बहरिया की एक्ट्रेस के साथ, जो कि आप सबको मालूम ही है, त्रिशा कर मधु, नाम तो सुना ही होगा। और कुछ लोग तो कांड भी जान चुके होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो लोग वीडियो देखिए जान जाएंगे। इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक MMS वीडियो बनाया था, जो कि मतलब जो कि जस्ट लाइक एक पोर्न वीडियो जैसा था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन्होंने बनाया था, ये आप कुछ क्लिप देखो, आप जान जाओगे कि वीडियो किसने बनाया था, मतलब इन्होंने ही बनाया था। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। अब देखो सेक्स करना कोई गलत बात नहीं है, अगर दो लोग एग्री हैं कि हाँ हम दोनों लोग एग्री हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप पूरे वारदात को एक कैमरे में कैप्चर करते हो, सही है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप करिए, आपकी लाइफ है। लेकिन वो जो वीडियो है वो कुछ दिनों बाद आपका बॉयफ्रेंड वायरल कर देता है। आपको वीडियो रिकॉर्ड करते समय ये भी ध्यान देना चाहिए था कि ये आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जो लोग भी इनके इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक सवाल है, सालो तुम लोग के आंखों में इतना ज्यादा हवस सवार हो चुका है कि तुम लोग को इस बंदे में और इस बंदे में अंतर ही नहीं मालूम चल रहा है। मतलब इस बंदे को तुम लोग आदिशक्ति फिल्म का मालिक बता रहे हो, मनोज मिश्रा, कैसे मतलब किस नजरिए से देख रहे हो तुम लोग? चलो वो तो शुक्र है कि उस लड़की ने ही कंफर्म कर दिया कि ये बंदा हमारे साथ नहीं था, नहीं तो तुम लोग तो इसको भी घोषित कर ही देते कि हाँ यही था इसके साथ। जी जी लड़का वायरल हुआ है, मनोज मिश्रा है ना, ये ना पागल उगल है। कौन है? पागल है। अच्छा एक मिनट, ये लड़का कौन है? ये लड़का भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं है। हाँ तो कहाँ का लड़का है मैम, क्या कीजिएगा जान के? अगर किसी का भी इस टाइप का MMS वीडियो वगैरह वायरल होता है तो आदमी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है धीरे धीरे, और उसको समझ नहीं आता कि दुनिया उसके साथ करना क्या चाहती है। सुसाइड वगैरह के ख्याल दिमाग में आने लगते हैं, तो आदमी यही करता है कि सोशल मीडिया से हफ्ते 10 दिन के लिए दूरी बना लेता है, और आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे भी दूरी बना लेता है। लेकिन हमारी भोजपुरी क्वीन मधु जी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से इनका वीडियो वायरल हुआ है तब से और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई है, और जिस प्लेटफॉर्म पे वायरल हुआ है उसी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 जुलाई 2021 को इन्होंने ए वाला पोस्ट किया था, फिर से इनको 6 दिन लग गए दूसरा पोस्ट करने में, पानी पानी हो गई। वीडियो के नीचे का थोड़ा सा कमेंट्स भी देख लेते हैं ना, तब तो मजा आएगा, मजा तो उसी में है कमेंट्स में। ये देखिए मगध सम्राट पवन सिंह का फोटो लगा लिया है बंदा, लिख रहा है पानी पानी तो मैं लड़का के कैले बाड़े छोर, बताओ अगला वीडियो कब आता। अरे यार ये वीडियो वायरल होने के पहले का पोस्ट है, तो अब जब वीडियो वायरल हो गया तब इनका पोस्ट देख लेते हैं। शादी करके कोई अगले दिन ऐसे का सुहाग्रत, मतलब ज्ञान इन्होंने पेल रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर उसी दिन ये पोस्ट करती हैं, क्या करूं समझ में नहीं आता मरने के सिवा। मतलब किसी का MMS वीडियो वायरल हो जाए और वो रील्स पे रील्स बनाए कैसे पड़ सकता है यार, मतलब रील्स बनाने की हिम्मत ही ना होगी थोड़ी भी। 2 घंटा पहले अभी इन्होंने पोस्ट किया है, काम धाम छोड़ के इनकी बात उनकी बात सुनू तब तो मेरा हो गया काम, प्लीज मुझे फोन करके परेशान ना करें। ओके समझ में आ रहा, लोग इनको फोन करके क्यों परेशान कर रहे हो भाई। पहले इन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया उसको देख लेते हैं, उसके बाद कमेंट पढ़ेंगे। सबसे मजा कमेंट में यार ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देगा मैडम जी, आपने देखो मतलब क्या चल रहा है भाई, मतलब तुम्हारा MMS वीडियो वायरल हुआ है और तू ऐसे रील्स देखो कितना संवर के रील्स बना रही है, अरे हद तू है तेरे पे। अब कमेंट्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा मजा हम भी ले लें। संदीप रसेल नाम का एक लड़का लिखता है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी महत्वपूर्ण वीडियो हमें दी। इस वीडियो को देखकर पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई है। देव दानव सुर असुर गंधर्व नाग किन्नर नर नारी सभी कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं, यदि आप ऐसा ना करते तो देवराज इंद्र सिंहासन हिल जाता, ब्रह्मा अपनी समाधि तोड़ देते और शिव जी तांडव शुरू कर देते, संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता और प्रलय आ जाता, पेड़ पौधे जीव जंतु अग्नि में जलकर भस्म हो जाते। धन्यवाद ऐसी वीडियो सभी तक पहुँचाने के लिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, पूरा बिहार आपके साथ है, वादा कीजिए अगले बार इससे अच्छा वीडियो लाइएगा। वाह बेटे मौज कर दी।
और न्यूज चैनल वालों की तो क्या ही बात करें हम, उनको तो मानो कि दिवाली का ऑफर उनके लिए अभी आ गया है। आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और सेंड मी वीडियो लिख दीजिए, आपके व्हाट्सएप पे वीडियो या वी ट्रांसफर का लिंक चला जाएगा दोस्तों। भाई अगर क्या तुम्हारी बहन के साथ या तुम्हारे किसी भी रिलेटिव रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ रहता तो भी तू लिंक सेंड करते रहता सबको? हाँ थोड़े से व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए यार मतलब तुम लोग कुछ भी करने को तैयार हो। ऐसे ही भोजपुरी की एक और एक्ट्रेस प्रियंका पंडित का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि कुछ सेकंड का है। उसमें उसने अपने ब्रेस्ट को थोड़ा सा शो ऑफ किया है, उस पे सहलाया वहलाया है, ऐसा ही कुछ वीडियो है जो कि अगर आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ तो ये आम बात है। शशि पूनम नेहा सिंह सोफिया अंसारी इन सबके वीडियो देख लो, इनका ऐसा वीडियो आम होता है। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि भाई जिसके पास भी ये वीडियो है प्लीज उसको डिलीट कर दीजिए, आपके पास अगर लिंक है तो उसको भी डिलीट कर दीजिए, उसको शेयर मत कीजिए क्योंकि इस वीडियो से उस लड़की की नहीं पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी हो रही है जो कि मैं कलंक का टीका बन जाएगा। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, हाथ जोड़ के विनती है।